है, जैसे कि आपको पता है ये एक संडे स्पेशल वीडियो है, स्पेशल वीडियो का कुछ स्पेशल ही होगा, तो बिना कुछ बताए आपको चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक 16 साल के लड़के की, जिसके कहानी हर तीसरे बच्चे से मिलती है। सुबह 8 बजे उठना, 9 बजे स्कूल जाना, फिर दोपहर को 2 या 3 बजे स्कूल से घर आता था, किसी चीज़ का ठिकाना नहीं, ड्रेस उतारी या नहीं उतारी, मोबाइल में लग जाना, टिकटॉक पे वीडियोस देखते रहना, पबजी खेलते रहना, 3 से 4 घंटा कब बीत जाए पता ही नहीं चल। जैसे कि शाम के 7 या 8 बजे वो दोस्तों के साथ टाइम पास करने निकल जाता था, और वो रात को 1 या 2 बजे घर वापस आता था। उसके माता पिता को लगता था कि वो पढ़ाई करने जा रहा है, लेकिन वो लड़का किसी को कुछ ना बताए फिर सुबह 8 बजे उठता था। यही थी उस लड़के की डेली रूटीन। लेकिन एक दिन वो जब दोस्तों के साथ टाइम पास करने जा रहा था, वो सुना कि उसके मम्मी पापा कुछ बात कर रहे थे। तभी वो चुपके चुपके सुनने लगा। उसके मम्मी पापा उसके फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे कि देखना हमारा बेटा IPS बनेगा, IAS बनेगा। एंड पापा कह रहे थे नहीं, हमारा बेटा जज बनेगा। नहीं, मम्मी कह रही थी डॉक्टर बनेगा। फिर कहने लगे नहीं, उसके जो मर्जी हो उसको हम बनाएंगे, लेकिन देखना हमारा बेटा कुछ तो बड़ा करेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। तो वो लड़का है, उसकी मम्मी पापा की बात सुनकर खून के आंसू रोने लगा। वो अंदर ही अंदर सोचने लगा कि यार, मेरी 12th पास करने की औकात नहीं, और मेरे मम्मी पापा मेरे लिए इतने बड़े सपने सजाए रखे हैं। उस रात वो खून का आंसू रोने लगा, नहीं सो पाया, पूरी रात रोता रहा। सुबह हो गई, वो छत पर चला गया और ज़िंदगी में पहली बार वो उगते सूरज को देखने लगा। उसको ऐसा लग रहा था कि यार, ये दिन मेरे ज़िंदगी का पहला दिन है। अब तक 16 साल बीत गए, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, अब तक ज़िंदगी काटी है मैंने बड़ी आराम से, पर अब मुझे जीना है कुछ अलग अंदाज से। उसी वक्त उसने ठान लिया कि फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा और जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। एग्ज़ाम के 3 महीना बाकी थे और तभी उसके अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि यार, मुझे पढ़ना है, ज़िंदगी में कुछ करना है, मुझे पढ़ना है। ऐसे काम नहीं चल सकता है यार, कब तक माँ बाप के दिए हुए टुकड़े से बचूंगा। उस दिन से वो 8-8, 10-10 घंटे पढ़ने लगा। उसके अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, यार मुझे पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं रिजल्ट का। और जब रिजल्ट आया सब शॉक हो गए, जिसके पास होने की औकात नहीं थी वो 90 क्रॉस कर दिया। एंड आगे चल के वो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन कर लिया, और फिर कुछ साल बाद उसकी एक अच्छी सी नौकरी लग गई और वो खुशी खुशी रहने लगा। उस लड़के की अंदर से तो आवाज़ आ गई, क्या आपके अंदर से आवाज़ आई? अब बात आती है आपकी, जो हाथ में मोबाइल पकड़ के मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्या आपके अंदर से कभी ऐसा आवाज़ आया है कि मुझे पढ़ना है, बहुत टाइम हो गया, बहुत पबजी खेल लिया, बहुत टिकटॉक वीडियो देख लिया, अब तो ज़िंदगी में कुछ करना है? आवाज़ आई नहीं है तो आने के लिए वेट मत कीजिए, अभी से मन में ठान ले लिए कि मुझे पढ़ना है यार, ज़िंदगी में कुछ तो करना है, मुझे पढ़ना है। और कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिए कि मुझे पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में लिख देना #मुझे पढ़ना है। और क्या बताऊँ, चलो बाय।